पिछले लेक्चर में हमने अरिथमेटिक सीक्वेंसेस के कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को देखा। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 6.5 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंसेस के रियल लाइफ प्रॉब्लम्स दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज अ मैन डिपॉजिट इन बैंक रुपीज 10 इन द फर्स्ट मंथ, रुपीज 15 इन सेकेंड मंथ, रुपीज 20 इन थर्ड मंथ एंड सो ऑन। फाइंड हाउ मच विल ही विल हैव डिपॉजिटेड इन द बैंक बाय 9th मंथ। एक आदमी है, बैंक में वो डिपॉजिट करता है 10 रुपये पहले मंथ, 15 रुपये दूसरे मंथ और 20 रुपये तीसरे मंथ, और इसी तरीके से वो डिपॉजिट करता जाता है। हमने ये बताना है कि 9 मंथ के बाद उसके पास बैंक में कितने पैसे होंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में भी, कि जब भी हमारे पास कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम आएगा तो सबसे पहले हम उसको अरिथमेटिक सीक्वेंस की सेंस में एक सीक्वेंस बना लेंगे। मिसाल के तौर पर अब ये जो सीक्वेंस बनेगा रुपीज़ 10 इन फर्स्ट मंथ, 15 इन सेकेंड मंथ, 20 इन थर्ड मंथ एंड सो ऑन। हमने ये बताना है कि 9th मंथ तक उसके पास कितना डिपॉजिट हो जाएगा, यानी कि सम हमने फाइंड करना है 9th मंथ तक। अब ये हमारे पास एक सीक्वेंस है जिसमें फर्स्ट टर्म हमारे पास 10 है, डिफरेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव टर्म्स जो है वो 5 है। अब सम जो है हम इजीली फाइंड कर सकते हैं सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला यूज करते हुए, जो हमारे पास होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 इंटू 2a1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमने सम फाइंड करना है 9 मंथ्स तक, तो n की जगह पे 9 आ जाएगा। एस 9 इज इक्वल टू 9 बाय 2 2 इंटू 10 प्लस 9 माइनस 1 इंटू 5। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 बाय 2 इंटू 20 प्लस 40 विच इज इक्वल टू 9 बाय 2 इंटू 60 विच इज इक्वल टू 270। सो 270 इज द अमाउंट विच ही विल हैव डिपॉजिटेड इन द बैंक बाय 9th मंथ। हमारे पास जो भी क्वेश्चन होगा सबसे पहले हम उससे एक सीक्वेंस बना लेंगे, और सीक्वेंस से फिर हम देखेंगे कि हमने कौन सी चीज फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस। देन हम अरिथमेटिक सीक्वेंस के फॉर्मूलाज को यूज करेंगे और रिक्वायर्ड चीज को फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। अ मैन बोरोज रुपीज 1100 एंड एग्री टू रिपे विद अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 213.14 इंस्टॉलमेंट्स। ईच इंस्टॉलमेंट बिगिंस लेस देन द प्रीसीडिंग बाय रुपीज 10। व्हाट शुड बी हिज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। एक आदमी है जो कि 1100 रुपये उधार लेता है और इस बात पे इत्तफाक करता है कि वो सारे पैसे वापस करेगा और साथ उसके इंटरेस्ट भी जो कि 230 रुपये होंगे इन 14 इंस्टॉलमेंट्स, और उसकी जो हर इंस्टॉलमेंट होगी वो पिछली इंस्टॉलमेंट से 10 रुपये कम होगी, और हमने ये बताना है कि उसकी पहली इंस्टॉलमेंट क्या होगी। सबसे पहले तो हमें ये यहाँ से पता करना है कि उसने टोटल कितने अमाउंट जो है वो वापस करनी है। सो टोटल अमाउंट टू रीपे विच इज ओरिजिनल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। तो टोटल अमाउंट जो है ये हमारे पास हो जाएगी रुपीज 1330। अगर हम अरिथमेटिक सीरीज के सेंस में देखें तो ये हमारे पास एक्चुअली एस एन होगा, कि जब हमारे पास एस एन जो है वो 1330 है, एन जो है वो हमारे पास 14 है, और डी डिफरेंस यानी कि पिछली से और नेक्स्ट में जो डिफरेंस है वो -10 है। हमने फर्स्ट टर्म और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है
वो फाइंड करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो प्रॉब्लम दिया गया होगा उसको हम अरिथमेटिक सीक्वेंस की सेंस में लेके आएंगे और फिर वहाँ से हम देखेंगे कि हमने कौन सी चीज़ फाइंड करना है। अब हमारे पास सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला है, उसको यूज़ करते हुए हम A1 फाइंड कर लेंगे जो कि हमारे पास फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी। तो यूज़ करते हैं फॉर्मूला SN इज इक्वल टू N/2 इंटू 2A1 प्लस N-1 इंटू डी। एन हमारे पास है 14 बाय टू इंटू 2A1 प्लस 14-1 13 डीज -10। सॉल्व कर लेंगे इज इक्वल टू 1330। सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 7 × 2A1 - 130 और 2A1 - 130 इज इक्वल टू 1330 / 7। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2A1 इज इक्वल टू 190 + 130 और 2A1 इज इक्वल टू 320 एंड A1 इज इक्वल टू 160। सो दिस 160 विल बी हिज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अगेन प्रॉब्लम को देख लें तो प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि उसने टोटल रुपीज 1330 जो है वो रिटर्न करने हैं इन 14 इंस्टॉलमेंट्स में और हर इंस्टॉलमेंट जो है वो पिछली इंस्टॉलमेंट से रुपीज 10 कम होगी। हमने ये बताना था कि उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या होगी, तो उसके लिए हमने सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला यूज़ किया जिसमें हमारे पास टोटल अमाउंट SN इज रुपीज 1330 एंड नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स इज 14 एंड डिफरेंस इज -10 और हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो इस फॉर्मूला को यूज करते हुए फाइंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अ क्लॉक स्ट्राइक्स वंस व्हेन इट्स आवर हैंड इज एट 1, ट्वाइस व्हेन इट्स आवर हैंड इज एट 2 एंड सो ऑन। हाउ मेनी टाइम्स द क्लॉक स्ट्राइक्स इन 12 आवर्स। एक हमारे पास क्लॉक है, जब उसकी और वाली हैंड जो है वो 1 पे हो तो 1 टाइम स्ट्राइक करती है, 2 पे हो तो 2 टाइम, सिमिलरली 3 पे हो तो 3 टाइम। हमने ये बताना है कि 12 आवर्स में वो कितने टाइम स्ट्राइक करेगी। तो सबसे पहले हम इससे एक सीक्वेंस बना लेते हैं। सीक्वेंस क्या बनेगा, जब उसकी हैंड 1 पे होगी तो 1 टाइम स्ट्राइक करेगी, 2 पे होगी 2 टाइम, 3 पे 3 टाइम एंड सो ऑन। और हमने बताना है कि जब 12 आवर्स में वो कितने टाइम स्ट्राइक करेगी। एक्चुअली हमने स्ट्राइक्स का सम फाइंड करना है जब हमारे पास n 12 हो जाएगा। तो सीक्वेंस से हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है वो 1, डिफरेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव टर्म्स इज आल्सो 1 और हमने 12 आवर्स के लिए बताना है n इज 12। सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला यूज करेंगे, SN इज इक्वल टू N/2 इंटू 2A1 प्लस N-1 इंटू डी। एन हमारे पास है 12, 12/2 इंटू 2 × 1 प्लस 12-1 इंटू 1। तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 × 2 + 11 विच इज इक्वल टू 78। सो 78 टाइम्स जो क्लॉक है वो स्ट्राइक करेगी इन 12 आवर्स। वैसे अगर हमें ये क्वेश्चन कहा जाए तो हम वो लिख के उनको ऐड करना शुरू कर देंगे, जब उसकी हैंड 1 पे होगी तो 1 टाइम, 2 पे 2 टाइम, 3 पे 3 टाइम, 4 पे 4 टाइम और फिर सबको ऐड कर लेंगे, लेकिन हमने सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला यूज करते हुए इजीली उसको फाइंड कर लिया। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जो हैं मैथमेटिक्स के साथ वो बहुत आसान हो जाते हैं। देन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज
an object falling from the rest falls 9 meters during the first second, 27 meters during the next second, 45 meters during the third second, and so on. How far will it fall during the fifth second, and how far will it fall up to fifth second? एक object है हमारे पास, rest से वो गिर रहा है, पहले second में वो 9 meter तक जाता है, अगले second में 27 meter cover करता है, अगले second में 45 meters, और इसी तरीके से आगे चलता जाता है. हमने ये बताना है कि पांचवें second में वो कितना distance जो है वो cover करेगा, और पांचवें second तक वो कितना distance cover कर चुका होगा. तो जैसे कि मैंने आपको बताया पिछले lecture में भी और कुछ questions में भी, कि जब भी हमारे पास arithmetic sequences का question आएगा, real life problem होगा, तो सबसे पहले हम उससे sequence बनाएंगे. अब आप खुद इससे sequence बनाएं कि जब हमारे पास first second है तो उसमें वो कितना distance cover कर रहा है, 9 meters, next में 27, उससे next में 45, और बिल्कुल इसी तरीके से आगे. अब हमने ये बताना है कि fifth second में वो कितना distance cover करेगा. तो actually हमने इस sequence की fifth term जो है वो find करना है. तो यहाँ पे a1 जो है first term वो हमारे पास 9, difference between two terms वो हमारे पास 18, और हमने fifth term find करना है. तो कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए अरिथमेटिक सीक्वेंस का हमारे पास फॉर्मूला होता है, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी. हमने ए फाइव फाइंड करना है, फिफ्थ टर्म ए वन हमारे पास है 9 प्लस एन हमारे पास 5 माइनस वन इंटू डी 18. तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 प्लस 72, which is equal to 81. So 81 meters वो fifth second में fall करेगा. और दूसरा part इसका ये है कि वो fifth second तक कितना distance जो है वो कितनी दूर जा चुका होगा, कितनी दूर गिर चुका होगा. तो ये हमारे पास वही sequence है. हमने actually find क्या करना है, S5 के sum हमने find करना है फिफ्थ सेकंड तक. तो सम फाइंड करने के लिए सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू इंटू टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी. एन हमारे पास 5 बाय टू इंटू टू इंटू नाइन प्लस 5 माइनस वन 4 इंटू 18. इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 बाय टू इंटू 18 प्लस 72, विच इज इक्वल टू 5 बाय टू इंटू 90 और 225 मीटर. सो 225 मीटर्स जो है वो फिफ्थ सेकंड तक दूर गिर चुका होगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7 is, an investor earned rupees 6000 for year 1980 and rupees 12000 for year 1990 on the same investment. If his earning have increased by the same amount each year, how much income he has received from the investment over the past 11 years? सबसे पहले question को समझे कि question क्या है. Question ये है कि एक investor है जो कि एक investment से 1980 में 6000 रुपए कमाता है और 1990 में उसी इन्वेस्टमेंट से 12000 रुपए कमाता है, और उसकी जो अर्निंग है वो हर साल सेम अमाउंट से इंक्रीज करती है. हमने बताना है कि उसने 11 सालों में कितने अमाउंट जो है वो रिसीव की. तो सबसे पहले इसको हम अरिथमेटिक सीक्वेंस के सेंस में लेके आएंगे कि फर्स्ट ईयर और 1980 जो है वो वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, वो हमारे पास फर्स्ट ईयर है, उसमें उसने 6000 रुपीज़ अर्न किए हैं. तो हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो फर्स्ट टर्म होगी वो 6000 होगी, और 1990 में उसने 12000 रुपीस जो हैं वो अर्न किए हैं. तो इसका मतलब है कि 11th टर्म जो होगी अरिथमेटिक सीक्वेंस की
वो हमारे पास होगी 12,000। और हमने ये बताना है कि टोटल उसने कितनी अमाउंट रिसीव की है इन 11 इयर्स में, तो वो हमारे पास सम हो जाएगा 11 इयर्स का, वो हमने फाइंड करना है। अब हमारे पास प्रॉब्लम एक आ गया, इसको हमने सॉल्व करना है। सम हमने फाइंड करना है 11 इयर्स का। अगर हम सम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करें एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू इंटू टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो हमें एक तो एन का पता होना चाहिए जो कि हमारे पास गिवन है 11, फर्स्ट टर्म गिवन है 6,000, और साथ हमें कॉमन डिफरेंस का पता होना चाहिए जो कि यहाँ पे नहीं दिया गया। तो कॉमन डिफरेंस सबसे पहले हम फाइंड करेंगे। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमारे पास होता है ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अगर मैं 11th टर्म के लिए इसको यूज करूं, ए 11th हमारे पास है 12,000 इज इक्वल टू ए वन हमारे पास है 6,000 प्लस 11 माइनस वन 10d, तो ये मेरे पास हो जाएगा 10d इज इक्वल टू 12,000 माइनस 6,000 विच इज इक्वल टू 6,000, और d इज इक्वल टू 600। अब हमारे पास d भी आ गया, फर्स्ट टर्म भी है, n भी है। अब हम इस फॉर्मूला को यूज करते हुए 11 इयर्स का जो सम है वो फाइंड कर सकते हैं। एस 11 इज इक्वल टू 11 बाई 2 इंटू 2 इंटू 6,000 प्लस 11 माइनस 1 10 इंटू 600। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 11 बाई 2 इंटू 12,000 प्लस 6,000 विच इज इक्वल टू 11 बाई 2 इंटू 18,000 जो हमारे पास हो जाएगा 99,000। सो टोटल 11 इयर्स में वो 99,000 जो है वो अमाउंट रिसीव करेगा। इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 6.5 को देखा जिसमें हमारे पास रियल लाइफ प्रॉब्लम्स दिए गए थे, और कोई भी रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम उसको अरिथमेटिक सीक्वेंस की सेंस में लेके आएंगे। जो चीज़ें हमें गिवन होंगी या तो हम उससे एक सीक्वेंस बना लेंगे या उस सीक्वेंस की कुछ स्पेसिफिक टर्म्स जो हैं वो देख लेंगे। मिसाल के तौर पे अब ये हमारे पास क्वेश्चन था, तो इसमें हमने देखा कि फर्स्ट ईयर की जो उसने एक इनकम दी गई है उसको हमने फर्स्ट टर्म ले लिया, देन उसके बाद उससे 11 साल बाद की एक इनकम दी गई है उसको हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस की 11th टर्म ले लिया, और हमने सम फाइंड करना था 11 इयर्स का, हमने एस 11 उसको कंसीडर कर लिया। उसके बाद सम फाइंड करने के लिए हमें जो चीज़ें रिक्वायर थी वो हमने देखा, एक हमें फर्स्ट टर्म चाहिए थी और एक डिफरेंस चाहिए था। फर्स्ट टर्म तो हमारे पास गिवन है लेकिन डिफरेंस नहीं था। डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमने जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज़ किया, वहाँ से हमारे पास डिफरेंस आ गया, वो हमने इस फॉर्मूला में पुट किया तो हमारे पास आंसर आ गया। अब इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप इस काबिल हो गए होंगे कि आप इस तरह के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर सकें, तो इसके बाकी एक दो क्वेश्चन हैं वो आप खुद सॉल्व करेंगे, और बिल्कुल इसी तरीके से आपने सॉल्व करने हैं। जो प्रॉब्लम दिया गया होगा उसको सबसे पहले मैथमेटिकल फॉर्म में लेके आएँ और उसके बाद जो चीज़ रिक्वायर होगी उसको फाइंड कर लें। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम ज्योमेट्रिक सिक्वेंसेस को स्टडी करेंगे।